नीतीश कुमार करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बात भी कही जा रही है, तो इस्तीफा लेंगे? कहाँ करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की कहाँ बात आ रही है? किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? कितना चार्जशीटेड केस में न्यायालय बड़ी कर देती है? अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधे सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है। सीधी बात।